आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके काले रंग की वजह से उसकी बच्चियाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उन्हें कहीं भी अपनी माँ के साथ जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या होता है आज की कहानी में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। और बच्चा पार्टी, कैसे बोर बैठे हो आज? और डैडी, आज स्कूल का ऑफ था ना, इसलिए बोर हो रहे हैं। तो मम्मा के साथ चले जाओ कहीं बाहर घूमने। नहीं डैडी, मम्मी के साथ नहीं, जब आप शाम को आओगे ना तब चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तब चलेंगे। ठीक है चलो ठीक है, फिर शाम को आता हूँ मैं, है तब चलते हैं घूमने। पीयू खा लिया आपने ये? हाँ। मजाक थोड़ी ना बनवा रहे मम्मी को साथ ले जाकर। तुझे पता है उस दिन मम्मी पीटीएम में आई थी ना, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। अरे दीदी, आपकी फ्रेंड नहीं, मेरी भी फ्रेंड ने बहुत मजाक उड़ाया था। काश हमारी मम्मी ना सुंदर होती, फिर कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ाता। चलो चलो बेटा, अपना होमवर्क कर लो। नहीं, हम खुद से कर लेंगे। हाँ मम्मा। अरे नहीं, मैं करवा देती हूँ, रुको मैं आपकी कॉपी लेके आती हूँ। पीहू ये लो, आप अपना काम कर। आप ना ये अपना काम कर लो, इसमें लिखा है दिस इज ए डॉग। ये दिस इज डॉग है, आपको इतना भी नहीं पता? और मम्मी आपके पढ़ाओगे, हम खुद ही पढ़ लेंगे। हाँ मम्मा। मम्मा आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, इससे अच्छा मैं दीदी से ही पढ़ लूँ, उनको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। अरे प्रशांत भैया, आप आओ। और भाभी कैसे हो? ठीक हूँ मैं। और प्रशांत भाई कैसा है? बढ़िया भाई, और बता विलास कैसा है? बस सब बढ़िया। और सुना भाई? यार कुछ नहीं, मैं एक वीक के लिए ना बैंगलोर जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। अच्छा। तो ये मेरी कजन है, तो मैं सोच रहा तेरे पास छोड़ जाऊँ, मैं सिर्फ तुझे जानता हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरा ही घर है यार, ये भी कोई कहने वाली बात है। ठीक है भाई। मन कर रहा हमेशा हमेशा के इनके पास ही रह जाऊं। हाँ यार, पी तो सही कह रही है। तो चलो, तुमने यहाँ पर एडमिशन ले लिया? कौन से कॉलेज में लिया है? यहीं पर पास में ही है, आपके घर के पास में। अच्छा। वही चारू दीदी कितनी सुंदर है ना, गोरी गोरी, और हमारी मम्मी को देखो कितनी काली है। इनकी वजह से ना हमारा हमारे दोस्तों में हमेशा मजाक बनता है। और दीदी मैं तंग सी हो जाती हूँ इन मम्मी के साथ रह गए। काश चारू जी की हमारी मम्मी होती, मज़ा आ जाता। हाँ। और इनके साथ हम बाहर भी घूमने जा सकते थे। हाँ सही बोलते हो। बच्चे भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं तो कहीं भी जाती हूँ, मुझे तो इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अब तो आदत सी हो गई है। बच्चे तो बच्चे बोल रहे हैं, नहीं तो अब तो बड़े भी बच्चों के पापा मम्मी सभी बोलते हैं। अब तो ये नॉर्मल सा ही हो गया है। चलो मैं भी आ रहा हूँ, बैठे आओ। दीदी आप ना बहुत सुंदर हो सच में। थैंक यू सो मच। और आप दोनों भी बहुत क्यूट हो, और ये तो सेम मुझे मेरी जैसी लगती है। चारू दीदी आप कितने प्यारे हो, काश आप हमारी मम्मा होते। हाँ दीदी सच्ची में। लिटरली आप हमारे मम्मा होते हैं ना, तो बड़ा मजा आता। अच्छा ऐसे। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है वन एक्स बैट। वन एक्स बैट बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिसपे आप गेम खेलकर बहुत सारा कैश जीत सकते हैं। इसमें विड्रॉल करना और डिपॉजिट करना दोनों बहुत ईजी है,
आप BC1X से दोस्तों के साथ बैट लगा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो वेट किस बात का है दोस्तों, अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक से डाउनलोड कीजिए 1X बैट। और हाँ, साथ ही बोनस के लिए मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए और जीतना। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दे है यूं। मेरे रंग की वजह से मेरे बच्चों को कितना फील होता है ना, काश मैं भी गोरी होती। नैना जो मिलके रात जागते थे, क्या वो हिमांशी आप परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, आज बच्चे बोल रहे थे कि चारू बैठी हुई थी और मैं बैठी हुई थी, तो बोल रहे थे कि चारू दीदी काश मेरी मम्मी होती, आप बहुत सुंदर हो। क्या आप भी बच्चों की बात को सीरियसली ले रहे हो? अरे बच्चे हैं, वो तो कुछ ही बोलते हैं, परेशान मत हो आप। ये तो श्योर है, हिमांशी के बच्चे हिमांशी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और मेरे दीवाने हो गए हैं। घर भी बढ़िया है, बंदा बढ़िया भी है, ऊपर से सेटल्ड भी है, क्यों ना मैं भी यहीं सेटल हो जाऊं। और इस पे पहुंचाएगी मुझे इसके बच्चों की ये सीढ़ी जो मेरे दीवाने हैं। चलो बेटा बैठो यहाँ पे, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। नहीं मम्मी, आप रहने दो, हम चालू दीदी से बनवा लेंगे, आपको स्टाइल का कुछ नहीं पता। और ये इसके बच्चे भी चिपके रहते हैं इसके, करती हूँ कुछ। हाय गाइस। हाय बेटो। बेबीज आपको आपकी मामा बुला रही है, शायद ढूंढ रही थी। ठीक है दीदी। अभी हाँ? आपका अभी ज्वाइनिंग कहाँ है ऑफिस का? मेरा नोएडा में। अच्छा, काफी टाइम लग जाता होगा। हाँ टाइम तो लगता है यार थोड़ा। तो बाय कार ही जाते हो? हाँ। मुझे भी ड्राइविंग सिखा देना। हाँ हाँ सीख लेना। इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपकी और इनकी लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो पहले देखा नहीं था क्या? अब घर वालों ने करा दी। ओह सॉड। इफ यू डोंट माइंड, बट हिमांशी और तुम में कितना डिफरेंस है। अच्छा है तुम्हारे बच्चे तुम पे गए हैं, तुम कितने हैंडसम हो, और उसका थोड़ा यू नो इन पे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डार्क है उसका कलर। जितने तुम ब्राइट हो उतनी वो ब्लैक है। बट माइंड मत करना। चारू एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है। या श्योर। हेलो बेटा। हेलो। अच्छा ठीक है, अब शाम को आना, बहुत एंजॉय करेंगे। दीदी बच गया, वरना इसको पता चल जाता ना इन दीदी को, वरना ये हमारा बहुत मजाक उड़ाती और बोलती तुम्हारी मम्मी कैसी है ऐसी है। रुको ना, आज हमारे फ्रेंड की पार्टी है, हमें वहाँ पे छोड़ दो। ठीक है बेटा, मैं छोड़ दूंगा। और हाँ डैडी, हमें ना
लेने भी आ जाना। सॉरी बच्चा, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, मुझे काम है, ठीक है? मम्मा आ जाएगी लेने के लिए, ठीक है? अच्छा, मैं ना पार्किंग से कार निकाल रहा हूँ, तो आप आ जाओ। ओके पापा। दीदी मम्मा आएगी लेने के लिए? शिट यार। नहीं नहीं, बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। हाँ। जा रहे हो बेटा डैडी के साथ? अच्छा मम्मी मेरी बात सुनो, पार्टी में ना आप हमें लेने मत आना, चारू दीदी आ जाएगी हमें लेने, ठीक है? अच्छा अब हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बच्चे पता नहीं कब तक आएंगे। मैं ही ले आती हूँ जाके। चारू मैं ना बच्चों को लेके आती हूँ, ठीक है? मैं ले आऊँ क्या? नहीं नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ जाना है, मैं होके आती हूँ। चल ठीक है। आज तो दीपिका हमने बहुत मजा करा, मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। हाँ सच में, और कल भी आना, कल भी करेंगे पार्टी। हाँ दीदी हम जरूर आएंगे कल। अरे बेटा आप लोगों को घर नहीं चलना, इतना लेट हो गया, मैंने सोचा लेने के लिए आ जाऊँ मैं। सृष्टि ये तेरी मम्मी है? तूने तो कहा था कि मेरी मम्मी वो है। चलो बेटा चल रहे हैं। वो सृष्टि तेरी मम्मी इतनी काली है? मतलब तूने उस दिन झूठ बोला था? मम्मी छोड़ो मेरा हाथ, आपने हमारी बेइज्जती करवा दी ना। मैंने जब आपको मना करा था कि वहाँ पे मत आना, तो आप क्यों आए हमारे को लेने? दीदी आ जाती। आपकी वजह से ना हम दोनों का फ्रेंड्स ने ना बहुत बेइज्जती करी है। हाँ सही बोला। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? अरे नथिंग, बच्चे तो थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं बस लगता है कि लाउड बोल रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए जो ये इस घर से आउट और मैं इन हो जाऊं। हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो भी कमेंट करना, साथ ही लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमारे चैनल चुलबुल वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही गाइस 1xBet डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।